हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आ चुका हूँ एक नई तरोताजा वीडियो लेकर आपके सामने। तो दोस्तों, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये है प्रिंस फिश पॉइंट। आप इसको लेजेंडरी शॉप बोल सकते हैं क्योंकि अबव 60 ईयर्स हो चुके हैं इस शॉप को। पहले इनके दादाजी इस शॉप को रन करते थे, उसके बाद इनके फादर साहब, और अब ये। मेरा नाम प्रिंस है। हम ये शॉप तकरीबन 60 साल से चला रहे हैं। पहले मेरे दादाजी थे, फिर मेरे पापा थे, और 20 साल से मैं चला रहा हूँ। हम बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा काम करते हैं। बहुत ही स्पेशली आइटम रहते हैं, जैसे कि सैलमन फिश है, जो बहुत ही ओमेगा 3 ऑयल है उसमें, हाई प्रोटीन है, वो सिर्फ लुधियाना में हमारे पास ही है। और फ्राई फिश का काम, फ्राई फिश का टेस्ट इतना बढ़िया, जो सुपर टेस्ट है उसका। तंदूरी फिश तो इतनी बाकमाल है, यानी उसके आप तारीफ के, आप खुद तारीफ करोगे। और हमारे पास तंदूरी में सालमन फिश है, सॉल फिश है, सिंगाड़ा फिश है, प्रॉन है, टेम्पलेट है, और फ्राई में मली है, सॉल है, सिंगाड़ा क्रिस्पी है, सॉल क्रिस्पी है, और पम्पलेट है फ्राई में, प्रॉन फ्राई में है। जहाँ फिश मिलती है जी, बाय वेट आप जितनी क्वांटिटी चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आप फ्राई या फिर उसको तंदूर में लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बन रहा है जी हमारे सामने तंदूरी जो फिश है उसके लिए मसाला। आप थिकनेस देखिए, रिचनेस देखिए मसाले की, क्या बात है जी। हमारी लगने जा रही है जी फिश काली मिर्च, जो इनकी तंदूरी आइटम है जी। भैया कितने देर में रेडी हो जाती है? चार से पाँच मिनट में ये फिश रेडी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ बहुत शोर है, आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं जी, दमोरिया ब्रिज, लुधियाना में दमोरिया ब्रिज। तो दमोरिया ब्रिज से जो रोड ऊपर की तरफ आ रही है, आपको रोड के सेंटर में आके ही आपको प्रिंस फिश पॉइंट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिख जाएगा। तो भैया चेक कर रहे हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द फिश। तो फिश में ये खासियत है कि ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। ये जो मैं आप सी खिला रहा हूँ, दिस इज आवर फिश, फिश काली मिर्च। पिछले 60 साल से जो ये शॉप है, और पिछले 20 साल से ये भैया चला रहे हैं, अपने जो दादाजी का काम को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिश का पीस देखिए, क्या बड़ा साइज है जी, और बहुत ही टेंडर। फर्स्ट पहले चेक करते हैं जी इसको टार्टर सॉस के साथ। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्स है। फिश तंदूर में लगने के कारण बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। अब ये देखिए, बहुत आसानी से। अब आ गया जी ग्रीन चटनी के साथ। बहुत ही बढ़िया ग्रीन चटनी, इट्स स्पाइसी, सेंगी, बहुत ही मज़ेदार। भैया ये टाटा सॉस है, दिल जीत लिया इसने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काली मिर्च का बहुत ही अच्छा फ्लेवर है काली मिर्च फिश में, वो तो होगा ये, अगर काली मिर्च फिश है इसको। यहाँ पर आपको मिल जाएंगी बहुत तरह की फिश, चाहे वो पॉम्फलेट हो, चाहे वो सोल हो, मल्ली हो, या फिर सिंघाड़ा हो। पॉम्फ्रेट फिश आपको बाय पीस मिलती है, और साथ में अगर आपने कोई और फिश खानी है, दैट इज बाय वेट। जो आप फिश देखिए, प्रॉपर काली मिर्च दिख रही है इसके ऊपर, जो ऊपर फ्रंट लेयर है, फर्स्ट लेयर है जो, वो बहुत ही क्रिस्प हो चुकी है, और साथ में अंदर से इट इज़ जूसी एंड टेंडर। इट ऑलमोस्ट अबव 60 ईयर्स कि यहाँ पर ये शॉप चल रही है,
और इतने सालों से तभी चल रही है अगर वो कुछ खास कुछ यूनिक फ्लेवर देते हैं तो। तो दोस्तों जी पॉम्फ्रेट फिश बन के आ गई है जी। ये ऊपर से आ गया जी मसाला, ये चाट मसाला है, ये आ गया जी चाट मसाला। तो एक मेरी है जी, एक हो रही है पैक। लुक एट द साइज, ये मुझे बेबी पॉम्फ्रेट फिश लग रही है। पॉम्फ्रेट मैंने इससे बड़ी भी देखी है पर देखने में बहुत क्रिस्प लग रही है। बाकी लेट्स चेक इट आउट, लेट्स हैव फर्स्ट बाइट ऑफ द फिश। अपने अप टूट गई जी। और इसमें दोस्तों आप कभी भी पॉम्फ्रेट फिश खाएं तो बड़े ध्यान से खाएं, उसमें बारीक कांटे होते हैं तो उसका आप प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। स्किन बहुत ही क्रिस्पी है, साथ में खाते हैं टाटा सॉस के साथ। बहुत बढ़िया, जैसे भी हमने आपको बताया बारीक कांटे होते हैं, आप ये देखिए बारीक कांटा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि पॉम्फ्रेट फिश खाते हुए उसके जो बारीक कांटे हैं उसको ध्यान रखिएगा। वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी सॉफ्ट, अपने अभी टूटती जा रही जी। कांटों का खास तौर के ध्यान। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए